दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर आधी रात हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद घर के अंदर जिया शंकर और फुकरा इंसान के बीच एक बार फिर से काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि गार्डन एरिया में फुकरा इंसान लेटे हुए थे और वो कुछ सोच रहे थे, वहीं दूसरी ओर जिया शंकर बैठी थी और वो कैमरे के सामने देखकर अपनी मम्मी से शिकायतें कर रही थी कि मम्मी देखिए इस लड़के ने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया, इसने मेरे चेहरे पर टास्क के दौरान आफ्टर शेव जेल डाल दी और मेरे चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया, आप इसे डांटिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान का कोई भी रिएक्शन नहीं था क्योंकि वो अपनी अलग ही सोच में खोए हुए लेटे हुए थे। ये देखकर जिया काफी हैरान रह गई। वहीं दोस्तों इसके बाद में जिया ने लगातार फुकरा इंसान को आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन 5 आवाज लगाने के बावजूद भी फुकरा इंसान जिया की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पाए और वो लगातार अपनी सोच में डूबे थे। इसी दौरान जिया जोर से चिल्लाई कि ओए अभिषेक, सुन रहा है या नहीं सुन रहा, जिसके बाद अभिषेक तुरंत ही हैरान होकर बोला कि हाँ भाई क्या हुआ। इस पर जिया ने कहा कि तू कहाँ खोया बैठा है पागल, मैं कब से तेरे को आवाज लगा रही हूँ। फिर अभिषेक बोला कि कुछ नहीं यार, मुझे अपने घर की याद आ रही है, मम्मी पापा को काफी मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर जिया थोड़ी सी मायूस हो गई और जिया ने कहा कि तू पागल है क्या, तेरे को मम्मी पापा की कैसे याद आ सकती है, घर के अंदर तू इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी सब इतनी केयर करते हैं। कभी किसी से मैं ये सुनती हूँ कि ये अभिषेक के लिए मैं पानी लेकर जा रही हूँ, कोई कहता रहता है कि मैं अभिषेक के लिए खाना बना रही हूँ, कोई कहता है कि ये सब्जी अभिषेक के लिए है, ये चीज़ अभिषेक के लिए है, साले तेरी इतनी केयर करते हैं फिर तेरे को घर की याद कैसे आ सकती है। इस पर अभिषेक ने कहा कि घर तो घर ही होता है और माँ तो माँ होती है। इस पर दोस्तों अभिषेक का दिल रखने के लिए जिया ने कहा कि तू टेंशन ना ले, कल सुबह मैं अपना फेवरेट परांठा तुझे बनाकर खिलाऊंगी, देखना तुझे घर की याद बिल्कुल नहीं आएगी। और ये सुनकर कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को भी काफ़ी सुकून मिला। फिलहाल दोस्तों आपको कैसे लग रही है इन दोनों की नज़दीकियाँ हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।